सिंगापुर की तर्ज पर सरकार फूड मार्केट का पुनर्विकास करेगी। पहले चरण में मजनू का टीला और चांदनी चौक में फूड हब विकसित होंगे। सरकार इसकी ब्रांडिंग करेगी। यहां फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस और साफ सफाई का पूरा पालन करवाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार एक प्रतियोगिता भी करवाएगी। इसमें सभी आर्किटेक्ट्स अपना डिजाइन देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फूड हब पुनर्विकास में दिल्ली के पकवान को नई पहचान दी जाएगी। उसमें स्ट्रीट फूड, तिब्बती मोमो से लेकर लजीज गोलगप्पे, विश्व प्रसिद्ध दाल मखनी, बटर चिकन या सभी के पसंदीदा छोले भटूरे और पराठे शामिल होंगे। रोजगार बजट 2022-23 के तहत दिल्ली फूड हब के पुनर्विकास पहल की घोषणा की गई थी। इसके तहत सरकार पुनर्विकास के पहले चरण में 2 प्रतिष्ठित फूड हब का कायाकल्प कर रही है। सरकार बहुत जल्द राजधानी में क्लाउड किचन योजना लाने जा रही है। इससे दिल्ली में चल रहे करीब 20,000 क्लाउड किचन और वहां काम करने वाले 4,00,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए बनाए गए श्वेत पत्र को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिपेंडेंट फूड आउटलेट विनियमन के लिए योजना लाई जाएगी ताकि इस क्षेत्र में भी पर्याप्त रोजगार पैदा हो सके। इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर पुनर्विकास योजना की समीक्षा की। मार्केट के अधिकांश मुद्दे एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा एमसीडी को ही बतौर कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।